اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي बिल्लाही रजीम। तमाम की आमद आमद है। बरकतों का महीना करीब आ चुका है हम सब की हर मुसलमान की ये चाहत होती है कि ये महीना सब पाए इसमें अल्लाह पाग उनकी तमाम दुआए कबूल करे उनकी इबादत कबूल करे बहुत बरकतों वाला महीना नेक लोग होते हैं जो इसको पाते हैं इसको मकबूल करार पाते हैं इनकी इबादतें कबूल की जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे मोहतरम मौलाना कासिम हमारे साथ मौजूद हैं और रमजान की इस आमद पर इस आमद से पहले ही कुछ तैयारियां मुसलमान पहले से ही कर लेते हैं अपने रूह पर व अपनी रूह को जो है वो उजागर करने के लिए अपने ईमान को ताजा करने के लिए रमज़ान की फीलतों पर रोज़ों की बरकत पर जो है वो कई वायस सुनते हैं उसके अलावा कई मुबारक किताबें पढ़ते हैं ताकि उनको इस रमज़ान की आने से पहले एक मोटिवेशन मिले इसी मोटिवेशन के लिए हमने अपने मोहतरम मौलाना कासम साहब से गुजारिश की कि हमारे लिए और हमारी इस्माइली भाई बहनों भाई के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम किया जाए ताकि उनको रमजान की अहमियत और उसकी फजीलतों का पहले से ही मालूम हो जाए अस्सलाम वालेकुम असल कासिम साहब बिना कोई टाइम जाया किए मैं अपनी बातों में हम आपसे रजू करेंगे हमें रमजान की अहमियत फजीलत और रोजे के फजाइल पर और इस्माइली पस मंजर पर हमें इस पे बयान फरमा दीजिए बिस्मिल करीम

ताकि तुम परहेजगार बन जाओ सूरत फमन जो इस महीने को पाए उसे चाहिए कि इस महीने में रोजा रखे इन दो आयतों से रोजे की फर्जियत साबित है अल्लाह सुबहाना ने कुरानी मजीद में ये दो आयत लाए ही इस मकसद से के रोजे फर्ज करने के लिए कुरान में किसी चीज हुक्म का सबूत कभी होता है नस से कभी इशारत नस से कभी दलालत से कभी नस से लेकिन ये जो फर्जियत रोजे की जो आयतें दो मैंने पढ़ी यहाँ से बराह रास्त नस से अल्लाह अल्लाबहान ने इन आयतों को लाया ही इस मकसद के लिए कि मुसलमानों पर किसी चीज़ को किसी हुक्म को फर्ज करें अब अरबिक में रोजे को सोम कहते हैं सामा सोम सोमन इसका लगवी माना डिक्शनरी में आप सर्च करेंगे तो इसका माना है रुकना बाज रहना लगवी माना इस में कुरान में हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्हुह वसल्लम ने इसका असलाही माना ये किया कि सुबह सदक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने से रुकने का नाम इस्लाम में रोजा है और ये सिर्फ हदीस में नहीं है बल्कि इजमाए उम्मत से भी साबित है रसूलुल्लाह रसोल्लाम तमाम सहाब तमाम उदाम, उस वक़्त से लेकर जब से ये आयत नाजिल हुई अब तक रोजे का यही माना यही मफहूम मुराद लेते हैं और इसी पर पूरा उम्मत महम्मदिया अला साहिब्या सलात वाम उस वक्त से लेकर अब तक अमल करती आ रही है रोजे की इब्तदा अगरचे आदमी सलात वाम के जमाने से हो गई थी चुनाच रिवायात से मालूम होता है कि आपके दौर में अया में बीस यानी हर माह की तेरहवीं चौदहवीं और पंद्रहवीं तारीख के रोजे फरज थे यहूद नसारा भी रोजा रखते थे यूनानियों के यहाँ भी रोजे का वजूद मिलता है हिंदू धर्म बुद्ध मजहब में भी बरत रोज़ा मजहब का एक रुकन है पारसीयों के यहाँ भी रोजे को बेहतरीन इबादत समझा जाता है अलज़ दुनिया के तमाम मजाहब में रोजे की फजीलत अहमियत किसी न किसी गदर, किसी न किसी, किसी अंदाज में पाई जाती है सलात वाम से लेकर खातम हजरत महम्मद सल्ह वसलम तक हर मिलत में रोजे का वजूद किसी न किसी शक्ल में मिलता है अब नबी रोज़े फ़र्ज कब हुए तो नबी करीम सल तो नबूत मिलने के बाद तेरह साल तक मक्काजम ही में लोगों को अल्लाह पा का हुक्म सुनाते तबलीग करते रहे बहुत ज़माने तक सिवाए ईमान लाने लानेस्ती छोड़ने के अलावा कोई दूसरा हुक्म नहीं था फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के यहाँ से हकाम आने शुरू हो गए इस्लाम के अरकान में से सबसे पहले नमाज फर्ज हुई फिर मक्जमा से हिजरत फरमाने के बाद जब आप सल्लाह वसलम मदीना मर तशरीफ लाए तो वहाँ बहुत से अहकाम आना शुरू हुए उन्हीं में से एक हु रोजे का भी था तो रोजा चूंकि नफ्स पर बहुत गिरान गुजरता है इसलिए इसकी फर्जियत में तीसरा दर्जा दिया गया इस्लाम ने अहकाम की फर्जियत में यह अंदाज इख्तियार की के पहले नमाज जो जरा हल्की इबादत है आसान है रोजे से उसको फर्ज किया उसके बाद जक़त को जक़ात के बाद रोजे को फर्ज किया सबसे पहले सिर्फ आशूरा यानी मुहर्रम के दस तारीख का रोजा फर्ज था उसके बाद रमजान के रोजों का हुक्म नाजिल हुआ और आशूरा की फर्जियत खत्म हो गई रोजे के अंदर शुरू में इतनी सहूलत रियायत नहीं थी कि जिसका जी चाहे रोजा ले और जिसका जो चाहे एक रोजे के बदले में किसी गरीब को एक दिन का खाना खिला दे आहिस्ता आहिस्ता रोजों की अल्लाह तबारक व तला ने आदत दिलवाई पहले इख्तियार दिया गया था उसकी भी चाहे रोजा रखे चाहे दियत दे दे किसी गरीब मिस्किन को खाना खिला दे लेकिन अल्लाह सुबहान तला ने वो ख़त्म किया और कुछ सख्तियाँ थी उसमें नरमी की गई मतलब दिन का रोजा फर्ज था और रात को इफ्तारी के बाद आँख जैसे ही लग जाए अगला रोजा शुरू हो जाता था जिसमें एक सहाबी का वाकया भी है बहुत मशहूर वाकदीस में जो बहुत गरीब था मजदूर था मेहनत कर करके आकर वो बीवी से कहा कि इफ्तारी के लिए कुछ है घर में कुछ नहीं था बीवी दूसरे घर में से लाने के लिए चली गई इधर इनकी आंग लग गई उनकी बीवी वापस आई तो चूंकि वो सो चुके थे कहा कि जब उनको जगाए उसने कहा मैं तो हलाक हो गया अब अगला रोजा शुरू हो गया तो इन पर इतनी सख्तियां थी फिर कुछ साहब क्राम भी इन रातों में मुबला हो गए तो अल्लाह तबारक व ने इनके लिए आसानी फरमा दी वह हुक्म भी कुरान में मौजूद है और फिर रातों को खाने पीने की चाहे सोए आंग लगे न लगे इजाजत मिल गई और दिन को वो एक मखसूस टाइम जिसको तुलवा फजर कहते वहाँ तक खाने पीने और सोने की इजाजत दी गई और मुबाशरत की भी इजाजत दे दी गई इब्तदाई सूरत रोजे की ये थी अब यह है कि रोजा रखने की इस इबादत को कराने में क्या फलसफा है रोजे का फलसफा क्या है रोजा रखवाया क्यों जाता है तो इंसान चूंकि अशरफुलमखलूक है इसकी अजमत रफ बहुत बुलंद है इनके आगे तमाम कायनात सरगुन सर हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इंसान के इस शरफ एजाज अजमत और जो उसको इकतदार का मैार मिला है इसका सबब क्या है तो इंसान का शरफ एजाज इस बात में है कि वो अपने सरकस नफ्स को काबू में लाकर अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आकर अपने बंदगी के फरज को भजा लाए मतलब अपने तखलीक का जो मंशा है जिस मकसद के लिए इसकी तखलीक की गई उसको पूरा करे अल्लाह की मार्फत अल्लाह की रजा उसकी खुशनुदू की तालाश जू करे यही इसका मुकदम अहम फरीजा है अगर एक इंसान अपने बंदगी के फरज से गाफिल हो जाए अबीय से तो अल्लाह तबारक व ने फरमाया कि क़द अफलहमन तसक का जिसने अपने नफ्स को पाकिजा कर लिया उसने फलाह पाई और जिसने ऐसा ना किया तो वो क्या होगी अपने आप को तबाह किया तो अल्लाह तबारक व तला इंसान पर ये जो रोजे फर्ज किए हैं तो उसमें एक फलसफा ये भी समझ आता है कि ये नफ्स को काबू में करे तो नफ्स को काबू में करने की जरूरत है तो अव्वल इसके लिए नफ्स को तमाम शहवतों लज्जतों से रोका जाए क्योंकि जब सरकश घोड़े को दाना घास ना मिले तो वो ताबे हो जाता है इसी तरह नफ्स की सरकशी भी दूर होती है ये फलसफा भी रोजे के अंदर है दूसरा है कि इस पर इबादत का बहुत सा बोझ लादा जाए जिस जैसे जानवर को दाना गाज कम मिले इस पर बोझ बहुत सा लादा जाए तो वो नरम हो जाता है यही हाल नफ्स का है इसको इबादत इस पर जोर डाला जाए और इधर से इसका चारा कम किया जाए तो नफ्स जो है वो फिर कंट्रोल में आता है और तीसरी बात इसमें यह है कि हर वक्त अल्लाह ताला से मदद चाहे और उस पर गौर फरमाए तो, 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 तो तुछ। 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 तुछ� इसमें तीन बातें रोजे में बदरज है इससे मालूम होता है कि नफ्स की तोड़ने के लिए अपनी तमाम कुतों को इतदाल में लाने के लिए हमें रोजे रखने का हुक्म हुआ है एक फलसफा इसमें ये भी है कि मुसीबत ज़्यादा इंसान ही किसी की परेशानी दुख का सही एहसास कर सकता है और रोजा से ये बात रोजे में ये बात पाई जाती है कि बड़े बड़े सरमादार दौलतमंद को भी जब एक बार भूख प्याज का जायका रोजे की वजह से झगने का मौका मिलता है जब अपने मासूम नन्हे बच्चों के रोजे के मौके पर उनके हालात तब्दील होता देखता है तो उसको गुर्बत ज्यादा लोगों की भूख प्यास का एहसास होता है और ये जज्बा भी दिल के किसी गोशे में उसके उभरने लगता है कि उस मफ, उन मफलूक हाल भूखे प्यासे लोगों की सदका खैराज से मदद की जाए दौलतमंद खुशहाल अगर रोजे में भूख प्यास की तकलीफ बर्दा न बर्दाश्त करनी पड़ती तो सारी उम्र गुजरने पर भी उनको भूख प्यास का एहसास नहीं होता अगर भूखा जरूरतमंद उसके सामने हाथ फैलाता अपनी तकलीफ परेशानी का इजहार करके कुछ तलब करता चूंकि दौलतमंद को फाके की तकलीफ का मालूम ही नहीं है इसलिए वो उस इस पर कैसे रहम खाता बरखिलाफ रोजा रखने की इसकी वजह से गरीबों मोहताजों यतीमों की दस्तगिरी का जज्बा पैदा होता है और उसके साथ हमदर्दी ईसार जैसी खूबियों का वजूद अमल में आता है इसके अलावा रोजे की जिसमानी रूहानी फवाद भी बहुत है रोजा मुसलमानों को चुस् चालाक साबिर शाकिर एक दूसरे के लिए हमदर्द गमगसार और एक मुनजम मजबूत खुत बनाने में बनाने का बेहतरीन जरिया है असूल तिबकी रू से बिना रोज़ा जिसमानी सेहत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है इसलिए ग्यारह महीने तक जो खराब फासद रतुबतें जिसम में जमा हुई वो एक माह के रोजे से सब खुश हो जाती है और सेहत तो में नुमा तरक्की होते है इसके अलावा रोजे में और भी बहुत सारे जिसमानी मादी फायदे है जहां तक रूहानी फवाद का ताल्लुक है तो वो भी बेशुमार है मसला फरिश्ते खाने पीने जमा करने से पाक मुनजा है इसी तरह अल्लाह ताली भी इन ख्वाहिशात से पाक मुनजा है इसलिए रोजा रखने से इंसान थोड़ी देर के लिए मलकूती सिफत यानी फरिश्तों की सिफत में नजर आता है और तखलकूब इखलाक का भी एक मुजाह है रोजे से अख्लाक रूहानियत की कुतें पैदा होती है दिलो दिमाग रोशन हो जाते हैं भूख प्यास की तकलीफ गुनाहों का कफारा होती है इंसान जब्त के अतबार से मुकम्मल इंसान बन जाता है इसमें इंकसारी आ जाती है भूख की मुसीबत तकलीफ का अंदाजा होता है रोजादार हर वक्त अल्लाह की इबादत में शुमार होता है क्योंकि जब रोजेदार को भूख प्याज लगती है उसका नफ्स खाने पीने का तकाजा करता है उसका दिल बराबर शाम तक यही कहता रहता है कि नहीं अभी अल्लाह की इजाजत नहीं है तो उसका दिल जो है ना इस्तलाल के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज़ा रहता है अब फजाइल की किताबों में इसके बहुत सारे रोज़े के फजाइल आए हैं नबी करीम सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे महज अल्लाह के लिए समझ कर रखे तो उसके तो अगले गुनाह सगीरा बख्श दिए जाएंगे जितने भी उससे पहले गुनाह हुए हैं वो सब मुआफ हो जाएंगे सगीरा गुनाह सात इस्तेफार भी करें कबीरा गुनाह तो भी मुआफ होते हैं तो तो लेकिन अगर कोई शख्स किसी का हक मारे बहनों का हिस्सा न दे किसी के साथ धोखा करे फ्राड करे मिलावट करे कम पैसे में गबन करे कर्ज अदा न करे ये बाकायदा इनकी तलाफी करे उनकी अदायगी करे और फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे अल्लाह तबारिक व तैयार वो भी मुआफ़ फरमाते हैं लेकिन वह मार कर इंसान सिर्फ ये कहे कि रोजा रखने से ये गुनाह मुआफ हो जाएंगे ये नहीं होंगे इनके लिए साथ तलाफी भी तोबा इस्तेफ़ार भी जरूरी है बुखारी शरीफ में रिवायत है कि रोजादारों के लिए क्यामत के दिन अरश के नीचे दस्तरखान चुना जाएगा और वो लोग इस पर बैठ कर खाना खाएंगे और सब लोग अभी हिसाब में फंसे होंगे कि ये लोग कैसे हैं कि खा पी रहे और हम अभी तक हिसाब में फंसे उनको जवाब मिलेगा कि ये लोग रोजा रखा करते थे और तुम लोग रोजा नहीं रखते थे सुबह सुबह माजरत चाहती थोड़ा आपको यहाँ पे करूँगी आपको यहाँ पे जो है कई सवाल आ रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इन मौलाना कासिम आपके तमाम सवालों के जवाब जो कि इस प्रोग्राम के मुतालिक होंगे वो भी जरूर देंगे और हमारे जितने भी यहाँ पे भाई हैं वो भी अपने सवालात किसी पेपर पे या कोई बात करना चाहते हैं तो वो पेपर पर जरूर लिख लीजिए और जैसे ही मौलाना कासिम का ये बयान मुकम्मल हो जाएगा तो बारी बारी आप अपने सवालात या कोई बयान देना चाहे तो जरूर दीजिए सवालत जो कमेंट्स में आ रहे हैं इनको भी जवाब देंगे इसके अलावा कुछ बातनी रोजों का भी जिक्र हो रहा है इनशाला उसका भी बात करेंगे मौलाना कासिम अपना बयान मुकम्मल करने वाले इसके बाद सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे जरूर हमारे साथ जुड़ रही है मुकम्मल मालूम के लिए ताकि इस प्रोग्राम से फायदा हम सबको और साथ साथ इस जमात को भी हो जाए जी मौलाना कासिम साहब कंटिन्यू कीजिए हफ्ता बाद रमजान मुबारक आने वाला है तो उसकी बरकतें रहमतें बेशुमार हैं या आखरत कमाने बनाने का महीना है उसके तो लिए पहले से तैयारी करने की जरूरत है इस माह में जितने आम काम, आम काम तौर पर पेश आते उनमें से जितने काम रमजान बबारक से पहले हो सके उन्हें पहले ही कर ले और जो काम रमज़ान मुबारक में करने हो उनमें भी कम से कम वक्त लगाए ज्यादा तो से ज्यादा वक्त रमजान बबारक में जिक्र इबादत दुआ तिलावत के लिए फारग करे बिला जरूरत लोगों से मुलाकातें ना करे ताकि फजूलियात में कीमती महीना इसके लम्हा ज़ाये ना हो इस माह में गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करे गुनाहों से बचने का इंसान को हर वक़्त हर आन हर लम्हा पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी तीन सौ पैंसठ दिन बचने का हुक्म है इसके लिए सिर्फ रमज़ान ही नहीं लेकिन रमजान में क्योंकि देखिए एक इबादत का ख़ास वक़्त में उसकी कीमत बढ़ जाती है और बाज बात खास मकान में करने से उसकी कीमत बढ़ जाती है मकान की मिसाल जैसे एक हम घर में नमाज पढ़ते हैं उसका वही है एक मस्जिद महल की मस्जिद में पढ़ते हैं उसका सवाब पच्चीस गुना बढ़ जाता है मस्जिद नबी में पढ़ने का पाँच हजार गुना बढ़ता है मस्जिद अकसा में पढ़ने का पांच हजार गुना पढ़ता है बढ़ जाता है रसोलम ने फरमाया कि जिसने मस्जिद हरम में नमाज पढ़ी उसका एक लाख सवाब बढ़ जाता है मतलब जिसने एक दफा अल्लाह पढ़ा गोए कि एक लाख दफा अल्लाह पढ़ा जिसने एक कुरान पढ़ा मस्जिद हरम में बैठ के उसने एक लाख कुरान पढ़ा जिसने दो रकात नमाज पढ़ी उसने दो लाख रकात नमाज पढ़ी क्यों मकान बदलने से अजर सवाब बदल जाता है इसी वक्त इसी तरह जमान की तब्दीली से भी सवाब में कमी ज्यादती आती है जैसे कि एक ये है कि आम दिनों में नमाज है जिक्र अजकार है तिलावत है उसका अलग सवाब है एक है जिलहज के दस दिन है वलफज़री तो उसमें सवाब एक अलग बढ़ जाता है एक है रमज़ान रमजानुबारक का अमाल उसका रमजान बबारक में अजर सवाब, उस लिहाज से सताइस गुना डबल पांच सौ गुना सात सौ गुना बढ़ जाता है इसी तरह लतर में एक हजार साल इबादत करने के इन नाजल नहूफी लतुल कदर लई लतुल्कद्र खरुमिन हजार महीनों से हजार महीने बैठकर जो के त्रेसी साल से भी साढ़े त्रेसी सौ साल साढ़े त्रेसी हजार साल बनते हैं साढ़े त्रेसी साल बनते हैं ना तो तकरीबन इतने साल इबादत करने के बराबर एक रात इबादत का कदर बढ़ जाता है तो मकान और जबान की तब्दीली से अमाल के कदर में कमी ज्यादा आती है तो, बहर तो हाँ। हाल इंसान के लिए एक मोमिन मुसलमान के लिए हुक्म यह है कि हर वक्त गुनाहों से बचते रहे अपने आख कान नाक, दिल जबान हाथ पैर सबको गुनाहों से बचाए लेकिन चूंकि कुल बनी आदम खत्ता वखत् इीन तो हदीस हमें बता रही है कि बनी आदम खताकार है गुनाहगार है इससे गुनाह होते हैं लिहाजा इस महीने को इसलिए रखा गया है ताकि इसमें ज्यादा अहतमाम के साथ बच कर प्रैक्टिस करे बाजात एक महीना ट्रेनिंग करके इंसान एक फन का माहिर हो जाता है यहाँ तो पर तो एक महीना ट्रेनिंग कराया जा रहा है हर साल बार बार याद दिलाकर कि भाई तुम जो भूल कर गुनाहों में पढ़ते हो वापस आ जाओ इस महीने में कोशिश करो एक महीना प्रैक्टिस करोगे लाकुम ला तक ताकि तुम बाद में भी पूरे साल परहेजगार बनो इसलिए इस महीने में खुसूसी तौर पर आंख कान नाक दिल जबान हाथ पैरों को गुनाहों से बचाए टीवी वीडियो ऑडियो गाना सुनना बे पर्दा ख़वातीन का निकलना इन सब चीजों से खुसूसी तौर पर बचे झूठ गैबत चोली, गाली गलोच लड़ाई झगड़े ये जितने भी गुनाह के काम है खसूसी तौर पर अहतमाम में के साथ इनसे बचे ताकि अल्लाह ताला रमजान के बाद भी पूरे साल इससे बचने की तोहफी कतः फरमाए और तरावेह पूरी पाबंदी से अदा करनी चाहिए गिड़ गिड़ आकर अपने लिए अपने वाले अहलयाल बहन भाई दोस्त अहबाब अजीज अकारब तमाम मुसलमान मर्दों औरतों की मौफरत के लिए दुआएँ करनी चाहिए और ताला से खास तौर पर उसकी रिज़ा और जन्नत मांगनी चाहिए और इन्नी और करीम को पर ने सिखाया कि ये दुआ मांगो और अल्लाह की नाराजगी दुर्ज से पनाह जहन्नम से पनाह मांगे और जो फजाइल अहादीस तयबा में आते हैं उन फजा को पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह तबारिक व ताला देखनी चाहिए कि रमज़ान के, के फजाइल सामने तो। हो अहमियत बढ़ेगी अहमियत बढ़ेगी कदर बढ़ेगी तो इंसान आमाल की तरफ आता है इंसान कमजोर है इस एक महीना प्रैक्टिस से अल्लाह तोफ़ी कता फरमाता है हजरत सलमान फारसी रजी से रिवायत है फरमाते हैं कि माहबान के आखिरी तारीख को रसोल्ला वसम ने हम एक खुतबा दिया इसमें आपने फरमाया फगन हो रहा है इस मुबारक महीने में एक रात शब कदर हजार महीनों से बेहतर है इस महीने में इस महीने के रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों की इबादत का बड़ा अजरु सवाब है अल्लाह तबारक व ताल के बारगाह खुदावंदी में खड़े होने यानी तरावेह पढ़ने को नफल इबादत मुकर किया है जिसका बहुत बड़ा जो स्वाब रखा है जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रजा उसकाब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत यानी कोई सुन्नत नफल अदा करेगा उसको दूसरे जमाने के फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा और जो इस महीने में फर्ज अदा करने का स्वाब दूसरे जमाने के सत्तर फर्जों के बराबर मिलेगा और ये सबर का महीना है सबर का बदला जन्नत है ये हमदर्दा हमदर्दी गमखारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिजक में इजाफा किया जाता है जिसने इस महीने में किसी रोजादार को अल्लाह के सवाब के लिए इफ्तार कराया उसके भी। भी। लिए गुनाहों की माफिरत और दुर्ज के आग से आज़ादी का जरिए होगा और उसको रोजादार के बराबर सवाब दिया जाएगा बगैर इसके के रोजादार के स्वब में भी कोई कमी नहीं होगी आपसे अर्ज किया गया कि या यारसोल्ला हम में से हर कोई तो इफ्तार कराने का सामान तो मुयसर नहीं है हमें तो क्या गुरबा इस से महरूम रहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी या सिर्फ पानी ही के से किसी गोजेदार का रोजा इफ्तार करा दे तो रसुल्लाम ने अपना बयान जारी रखा और आगे फरमाया कि जो कोई किसी रोजेदार को पूरा खाना खिला दे उसको अल्लाह तो ताला मेरे हाउस से, से ऐसा से राब करेगा जिसके बाद उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी जब तक वो जन्नत तक न पहुंचाए न पहुंच जाए बहरहाल ये तवील हदीस है इसको आखिर तक मैं नहीं बताता हूँ काफी तो तवील तो है फायदा इसका खुलासा ये कि माह मुबारक ये कैसा मुबारक महीना है कि इसमें हर रोजा का सवाब सत्तर फर्जों के बराबर और इबादत का सवाब फर्ज के बराबर है गमखारी का महीना है रोजा इफ्तार कराने से गुनाहों की महाफिरत दुरज से आज़ादी का जरिया है और रोज़ा खुलवाने से जिसका रोज़ा खुलवाया उसके सवाब में भी कोई कमी नहीं आती है और सवाब कमा इफ्तार कराने वाले को रोजेदार के बराबर सवाब मिलता है और एक अब एक रिवायत में अबू सहीद खुदरी रदी फरमाते हैं कि रसुल करीम सल्ला फरमाया जब रमजान रमज़ानबारक की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उन रोजादारों में से कोई रोजा कोई रोजा भी रमजान शरीफ इन, इन दरवाजों में से कोई दरवाजा भी रमजान शरीफ के आखिरी रात आने तक बंद नहीं किया जाता कोई मुसलमान बंदा ऐसा नहीं है कि रमज़ान शरीफ की रातों में किसी रात में नमाज पढ़े मगर अल्लाह ताला उसके लिए हर सजदे के बदले में डेढ़ हजार नकियां लिखेगा मतलब ये जो तरावेहेह में हम नमाजों में सजदा करते हैं एक सज के बदले में डेढ़ हजार नहीं किया और फिर कितने तरावे के बीज रकतों में हर रकात में दो चालीस सिर्फ उसमें फराइज नवाफिल तो उसके अलावा है और आगे फरमाया कि उस बंदे के लिए जन्नत में सुरुख याकूत का एक मकान बना देगा जिसके साठ हजार दरवाजे होंगे हर दरवाजे के लिए सोने का एक महल होगा जो सुरुख याकूत से आरास्ता होगा तो ये रजी अपनी रिवायत में बयान की है और है। आगे फिर की रिवायत है जो हजूर अकदर सल्लाम से रिवायत करते हैं कि बिलाशुबा जन्नत माह रमजान के लिए शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है जब रमजान का शरीफ का महीना शुरू होता है तो जन्नत अल्लाह से अरज करती है कि अल्लाह इस मुबारक महीने में अपने बंदों में से कुछ बंदे मेरे अंदर क्याम करने के लिए मुकर करजिए जो इबादत करके मेरे अंदर दाखिल हो सके इसी तरह हूर भी आरज करती है कि एजल इस बरकत महीने में अपने बंदों में से हमारे वास्ते कुछ खावन मुकर फरमा दीजिए चुनाच जो शख्स रमजान शरीफ के महीने अपने नफ्स की हिफाजत की कोई नशाआवर चीज नहीं पी ना किसी मोमिन पर कोई बहुतान लगाया न कोई गुनाहे कबीरा किया तो अल्लाह जल्ला शाह हर रात में उस बंदे की सौ हुरो से शादी करा देते हैं और उसके लिए जन्नत में एक महल सोने चांदी के याकूत और जुमरत का तैयार किया जाता है इस महल की लंबाई चौड़ाई का यह आलम है कि अगर सारी दुनिया इकट्ठी करके इस महल में रख दी जाए तो ऐसी मालूम हो जैसे दुनिया में कोई बकरियों का बाड़ा है मतलब इतने कोने में पूरी दुनिया उसके एक कोने में आ जाता है बहरहाल इसके रमजान मुबारक के फजीलत में इतनी अदीस है कि वो शुरू कर जाए तो सारी रात खत्म हो जाएगी ये फजीलतें खत्म नहीं होंगी मैंने मशहूर अहादीस मशहूर साहब किराम के खानदान में से अब आपके सामने रखीयली की रिवायत के साथ आपके सामने रखी लास्ट है हजरत अली रजी से रिवायत है की जब रमजान की शरीफ की पहली रात हुई तो रसूल लोगों से खिताब करने के लिए खड़े हुए अल्लाह की तमदना बयान करने के बाद इर्शाद फरमाया ए लोगों तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मन जिन्नात के लिए अल्लाह ताला काफी है और अल्लाह ताला ने तुमसे दुआ कबूल करने का वादा फरमाया है चुनान्च इर्शादिबला मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा खूब सुन लो अल्लाह त ने हर सरकश शैतान पर सात फरिश्ते मुकर किए निगरान के तौर पर लिहाजा तो अब वो रमजान गुजरने तक छूटने वाले नहीं है और ये भी सुन लो कि रमजान की पहली रात से आखिर तक आखिर रात तक के लिए आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं और उस महीने में दुआ कबूल होती है ये हजरत अली रजी अल्लाह की रिवायत है तो ये जो मैंने अर्ज किया कुछ फजाइल कुछ जो है तो ना फर्ज के लिए जो आयत नाजिल हुई कुरानी मजीद में और इजमाय उम्मत मैंने अर्ज किया उम्मत से भी साबित है कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान उस वक्त से लेकर सल्लल्लाहु वसल्लम के दौर से लेकर अब तक जैसे सल्लल्लाहु वसल्लम ने बताया उसी तरह रोजे रख आ रही है पूरी उम्मत मुहम्मद साहिब वसलाम रसोल सल्ला ने सख्त दिनों में गर्मियों में रोजे रखा सख्त दिनों में सख्तियों में रोजा रखा सहाब एक, एक जिहाद के सफर में रोजे से थे एक सहाबी कहते हैं कि इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि सर में साया करने के लिए कुछ नहीं था तो हाथ अपने सर के ऊपर रखे हाथ सर के ऊपर ला कर कह रहे कि हम साया कर रहे थे और ऐसा वक़्त भी आया कि इफ्तारी में सिर्फ एक खजूर के कुछ नहीं मिला रसुल्लाम को हुक्म देना पड़ा कि आज रोजा छोड़ दो क्योंकि कुरान में भी इजाजत है कि वह इनकुम तुम अला सफरी अगर तुम सफर में हो मरीज हो या सफर में हो तो रोजा छोड़ने की इजाजत है बावजूद तो इसके राम रोजे से होते थे तो ये तस्वूर ही नहीं था ये तस्वीर ही नहीं था कि कोई मुसलमान होकर मोमिन होकर वो रमजान का रोजा छोड़ दे ये मुसलमान ये तस्वर ही नहीं है कोई मोमिन हो अल्लाह पर योम आखिरत पर रसोल सल्लाम पर ईमान रखता हो और वो इतने वाजह कुरकाम आने के बाद और जो ताबीर रसोल सल्ला ने की हजरत अली करू ने की रमजान के रोज़ों के में हजरत अली करम वजह बहुत ज्यादा अहतमाम फरमाते थे रमज़ान के अलावा नवाफिल भी बहुत रखते थे पाकि ना का इतना ख्याल रखते थे एक दफा जब रसोल्ला वसलम ने फरमाया कि इंसान नापाक होने के बाद गसल का बयान करते हुए पूरा बताया कि एक बाल के बराबर भी खुश रहे गसल नहीं होगा तो उसके बाद हजरत अली रजू इतना अहतमाम करते थे कि सर के बाल अक्सर गंजा करते थे सर के बाल अक्सर गंजा करते थे कि कहीं कोई बाल खुश न रहे इतना अहतमाम था ये रोजे की वो तारीफ है कि रोजा क्या चीज है रसोल्लाने नहीं, नहीं, के, के, के रोजे का वक्त कब शुरू होता है रोजे का वक्त कब खत्म होता है ये भी कुरान में मौजूद है और हजारों अहादीस इसमें मौजूद है पूरी उम्मत का इजमा हमारे सामने है

जिस तरह का ये रोजा रखते हैं हमारे साथ एक हमारे भाई अजीज मौरानी भी शामिल हैं अभी इस कॉल पे और उनकी कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी अजीज भाई ने बहुत सारी बातें की हैं पहले तो मैं सवाल किया कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है वो रोजे रखेगा कि नहीं रखेगा और उसके लिए फर्ज है कि नहीं फिर ये कुछ बात तब्दील होती गई होती गई और अब उनकी बात से कुछ इस तरह अंदाजा हुआ जब उन्होंने ये कमेंट किया कि रोजा रखना फर्ज नहीं तो अजीज भाई हमारे साथ ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए अजीज भाई का कमेंट है रोजा रखना नहीं जरूरी ये लिखा उन्होंने रोजा रखना नहीं जरूरी अजीज भाई असल जी वालेकुम सलाम मैं पहले तो ये मौलवी साहब को सलाम करूंगा सबसे पहला बहुत बातें की उन्होंने चुप ही नहीं हो रहे थे ये तो खैर रोजा रखना जरूरी नहीं है अगर लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट कोई है तो अगर रोजा रखता है तो उसके लिए तो बहुत डेंजरस है ये बात तो बहुत डेंजरस है बहुत डेंजरस है मर सकता है बंदा ठीक है ना और इन्होंने जितनी बातें की हैं मेरे ख्याल से इन्होंने कुरान शरीफ जो है सवाब के लिए पढ़ा है मैंने तहकीक के लिए पढ़ा है मैंने तहकीक तहकी तहकी के लिए पढ़ा है हाँ जी कुरान शरीफ अच्छा, इन्होंने एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी ठीक है आपसे आपसे आप, आप, बात बिल्कुल चलेगी और बहुत अच्छा किया आपने हमें ज्वाइन किया क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा कि जब हम अपना पस मंजर हम अपना अकीदा खोल के बयान कर रहे हैं तो इस्माइली भी बिल्कुल सामने आए और अपना अकीदा बयान करें आपका आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा पॉइंट बनाइए ताकि फिर आपको एड्रेस किया जाए ठीक है भाई पॉइंट तो पॉइंट तो यही बनाना है कि इन्होंने जो है कुरान शरीफ सवाब के लिए पढ़ा है और मैंने कुरान शरीफ हकीकत मालूम करने के लिए पड़ा है शायद इनको हकीकत का मालूम नहीं है सवाल इनसे एक मेरा ये है कि आयत, आयत नंबर सूरह नंबर 79 नाइन आयत नंबर थर्टी का मतलब मुझे बता दीजिए बस ठीक है उससे आयत नंबर पूछिए कौन सी कह रहे हैं आयत नंबर आयत नंबर और सूरह नंबर सूर्य नंबर सूरह नंबर सेवेंटी नाइन आयत नंबर थर्टी सूरा नंबर सेवेंटी नाइन बोला इन्होंने जी सूरा नंबर सेवेंटी नाइन और आयत नंबर थर्टी बोला है सेवेंटी नाइन में ये अगर पढ़ लेते ना आयत अभी इसको सेवेंटी नाइन में आ, भी दिखा देती हूँ ठीक है वो अर्थ निकल रहा निकल हाँ हा। इन्होंने लिखा है कि इसके बाद जमीन को हमवार बिछा दिया सूरह नाजियात है आयत नंबर थर्टी है والارض بعد ذلك ذلك बात चल रोजे की आप इसको मोड़कर कर ले जा रहे अर्द बाद अदाल दहा इसके बाद हमने जमीन को बिछोना बनाया जी क्या कहते आप

था था। था। आम इंसानों के फहम के मुताबिक बात करता है फॉर एग्जाम्पल वबली कैफा खुल आप ऊँटों को क्यों नहीं देखते जैसे हमने बनाया आप आम इंसानों के फहम को जो कोई अमामा फहामा न हो सिर्फ कुरान न भी पढ़ा हो और आम इंसानों उसके फहम के मुताबिक बात करता है कहीं भी कुरान मजीद में ये नहीं आया है कि कुर्र अर्ज गोल नहीं है कुर्र अर्ज गोल नहीं है कुरान ने कहीं ये नहीं फरमाया आम इंसान को समझाने के लिए जो घर के दरवाजे से बाहर निकलता है उसके सामने दुनिया गोल नहीं है उसके लिए कह रहा है कि तुम्हारी फायदे के लिए मैंने दुनिया को तुम्हारे लिए बिछोना फर्श की तरह बनाया है इससे कहीं ये लाजिम नहीं आता है कि कुर्र अर्ज गोल नहीं है बिल्कुल प्लेन है आपका कुरान पे जो एतराज है ना ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये आम फहम इंसान के लिए आप जब गाड़ी लेकर निकलते हैं तो गो फुटबॉल के गर्द घूमते हैं या मैदान पे चलते हैं आपको कुरान ये बता रहे अल्लाह सुबहान कि आपके सहूलत के लिए गंदुम उगाने के लिए खेती बाड़ी करने के लिए घर बनाने के लिए जमीन को बिछोने की तरह बनाया है इससे कही लाजिम नहीं आता है कि कुर्र अर्ज जो है वो सीधा है वो तो गोल है उसकी कुरान नफी नहीं कर रहा है देखें, जो टॉपिक है ना उसके हवाले से जब बात करेंगे तो हमारे प्रोग्राम का मकसद भी पूरा होगा अजीज मोरानी भाई ने जो भी बात की है अगर उनका फास्टिंग के हवाले से जो उन्होंने हकीकत पा ली है जिस तरह उन्होंने अभी अपना क्लेम किया कि उन्होंने जी कुरान से हकीकत को पा चुके हैं तो इसी पर बात करेंगे ताकि रमजान का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो इस्माइली हजरत के मद्देनजर से भी और हमारी तरफ से भी तो जिस तरह मौलाना कासिम ने कहा कि रमजान के रोजे जो है उनका वक्त मुकर है हमारे पास अली भाई मौजूद हैं ये इस्माइलियों के टीचर भी रह चुके हैं अली भाई से पूछते हैं कि रमजान की औकात जो है वो इस्माइलियों में क्या है किस तरह के वो रोजे रखते हैं और किस तरह का टाइम होता है और फिर अजीज भाई से पूछते हैं कि इन्होंने कुरान में से ये हकीकत कैसे मालूम किया जी अली भाई अली भाई मौजूद हैं अली भाई हैं लेकिन नहीं नहीं इन्हें देखिए इन्होंने कुरान पे एक एतराज करने के लिए आए थे कि कुरान कहता है कि जमीन को हमने प्लेन किया हालांकि गोल है भाई आम इंसान के फहम के मुताबिक जमीन प्लेन है अलबत्त कुर अर्ज गोल है कुरान ने इसकी नफी नहीं की है कि, कि, कि कुर अर्ज के बारे में बात नहीं हो रही है बात हो रही है आम जमीन जो इंसान अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करता है बहरहाल ये तो इन्होंने खाम खाम मौजू को भी खराब किया बीच में आया कुरान समझता हूँ कुरान तो किधर समझता है दो आयत पढ़ नहीं सकते आयत के हवाले देता है अगर आप कुरान पढ़ समझा हो तो पढ़ आयतें तर्जुमा करके बताए ना एक बात दूसरी बात यह है कि आपके डिबेट के लिए सारा साल पड़ा हुआ है आप आ जाए हम आपको वेलकम कहते हैं हम कहते हैं और हम ऐसे बंदे चाहिए जो इधर आके बात करें इन कोई मौजू रखे दो तीन मौजू रखे दस मौजू रखे हम उस पर बैठ के तफसी बात करेंगे हम आपसे बात एक करने के लिए तो बैठे हुए हैं इस मौजू पे भी बात करेंगे लेकिन रोजे से क्यों भाग रहे आप रोजे पे आए ना कुछ कुमुस्याम का क्या माना है आपके यहाँ और फमन शहीद अमिन कुम्शाहफल य इसका क्या माना है और खाओ पियो हत्ता यतबयना लकुम अलखैत अलअबिद मिन अलखैत अलअस्विद इसका कुरानी मजीद के इस आयत का खाओ पियो सुबह की धारी से लेकर जो जाहिर होता है शाम के वो जो बारीक लाइन है उसके जाहिर होने इसका क्या यहाँ तक खाने पीने की इसके पहले इसके बाद इजाजत है बीच में नहीं है तो इसका क्या क्या तर्जुमा करते हैं आप इस पे बात करना है तो आ जाए करे लेकिन आप जिन जिन मौजूद को चूज करेंगे इनशाला हम उसके लिए भी अवेलेबल है लेकिन आज नहीं उसके लिए कल जो भी टाइम आप रखें इनका एक वैलिड क्वेश्चन था एक वैलिड क्वेश्चन मुझे शुगर का पेशेंट है तो नहीं ब्लड प्रेशर लो होता है मरने का अंदेशा है या जो शुगर पेशेंट है उसको टाइप टू या वन है जो सुबह शाम तक वो बगैर खाए पिए नहीं रह सकता है वो रोजा नहीं रखेगा उसके दिए बदले दिए। में वो फिदिया अदा करेगा जो इंडिया पाकिस्तान में तकरीबन अस्सी रुपए सौ रुपए फी रोजा के हिसाब से या इतने जो है ना तीन किलो खजूर रोजाना के हिसाब से गरीब मिस्किन को देगा इस्लाम में इसकी इजाजत है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित है मेरी दिए वालदा दिए। जो है ना दस बारह साल से शुगर के पेशेंट है वो रोजा नहीं रखती है उसको इजाजत है नहीं रख सकती है वो वो जो है ना चार पांच घंटे खाए पिए बगैर नहीं रह सकती है इसी तरह सेंगड़ो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज है इस्लाम जो है ना आसान मजहब है प्यारा मजहब है किसी बीमार बीमार का तो मैंने जिक्र कर दिया था ना उसके बाद एक आयत के बाद ही के तुम में से कोई मरीजा लो ब्लड प्रेसर मरीज है शुगर हाई डायबिटिक मरीज है उसको तो इजाजत है सफर में भी जाने के बाद असल में कई लोगों के जहन में ये होता है कि फर्ज का मतलब ये है कि जीना है मरना है तो करना ही है इनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और ना करवाए जाते हैं उसकी वजह हम सबको ये पता है कि इस्माइलिज्म में जवाब नहीं मिलते मुखी और जितने भी होते हैं तो कभी मिले ही नहीं अपनी जमात से तो कई इसी वजह से कुछ इनकी भी विचारों की जो आप समझ सकते हैं कि मजबूरी है कि इस तरह के सवाल कर बैठते हैं लेकिन कोई बात नहीं आज हमारा टॉपिक इसी वजह से रखा हमने कि जहां से आपको जवाब नहीं मिलते चाहे वो एक स्माइली ही क्यों ना हो तमाम बातें छोड़ के अपने तमाम तासुबात को दूर करते हुए आपके दिल में किसी तरह का भी सवाल है रमजान के मुतालिक हम यहाँ पे आपकी और अपनी असलाह के लिए मौलाना कासिम के सामने मौजूद है ताकि हम उनसे रहनुमाई हासिल कर सके प्लीज टॉपिक पर ही रहेंगे हमारे किसी भाई जैसे नूरला भाई है इमाम अली है अली भाई है अगर बिलाल भाई किसी ने भी कोई सवाल करना है रिलेटेड टू आज के टॉपिक तो जरूर हमारे मौलाना साहब से कर सकते हैं और अजीज भाई आपका भी आप भी मौजूद हैं लेकिन टॉपिक के हवाले से आप सवाल कर सकते हैं जी भाई हाँ टॉपिक मैडम वैसे बात है ना कि टॉपिक तो तभी खुलासा हो सकता है इस बात का तब मेरे को ये मौलाना साहब एक बात का जवाब दे दे वो हदी वो हदीस वो तो आयात मुझे बता दे जिसमें कुरान में लिखा हुआ है कि हमने इस किताब को आप पे नाजिल कर दिया आपकी जबान में ताकि आप इसको सही तरह समझ सके हमारी जबान तो उर्दू है भाई ये आयर मुझे बता ठीक है नहीं, सही नहीं, है मैं 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 इस टॉपिक को रिलेट कर दूंगा ना इस टॉपिक को रिलेट कर दूंगा मुझे ये जवाब दे दीजिए कोई मसला नहीं इसका मतलब ये है कि आपको एतराज है कुरान के अरबिक होने में हम इसी ठीक है कासिम भाई जवाब देना जी भाई कुरान के अवालीन मुखातबीन कौन थे किस पर नाजिल हुई है ये हिंदुस्तान में किसी बादशाह पर या पाकिस्तान के किसी उर्दूदान पर तो नाजिल नहीं हुई है ये नाजिल हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी जबान अरबी थी और इन अरबी मुबीन उसके अवलीन मुखातबी वही थे साहब कराम उसके बाद क़्यामत तक आने वाले लोगों के लिए यही कुरानी मजीद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है उसके बाद कोई नबी ने नहीं आना शरीयत के अहमाम तब्दीली रसोल भी नहीं कर सकते उसके बाद किसी की क्या मजाल है कि एक हु को इधर से उधर करे अल्लाह सुबह ने रसोल ने फरमाया कि अगर तुम कोई झूठ हमारी तरफ मनसूख करते तो तुम्हारे दाएँ हाथ से पकड़ते और रगे जान को काट डालते जब रसोलम को हुक्म है तो अहलेत में से किसी को इजाजत नहीं है कि अल्लाह के हुक्म को जरा इधर से उधर करे बिल्कुल ठीक अच्छा टॉपिक के हवाले से बात करते हैं नुरला भाई आपका कोई सवाल हो अली भाई है हमारे साथ इसके बाद हां हमारे भाई अली भाई भी अस्सलाम वालेकुम जी खान भाई देखिए कासिम ने शायद हो सकता कि मैं लेट आया था लेट सुना हूं तो शायद हो सकता हूं मैंने ये टॉपिक को कवर कर लिया होगा मैं जस्ट एक मुझे ये ज्यादा कहना तो चाह रहा हूं कि रोजा रखदा ये अल्लाह का हुक्म है उसके बाद इसके फायदे हैं माने जो जो है सारी चीजें पहले बात कि अल्लाह ने मुसलमानों पर फर्ज कर दिए हैं वहां पर डॉट हो गया डेड लाइन हो गया उसके अलावा बाद में ये नहीं बोल सकते कि ये है वो है क्योंकि अल्लाह ने फर्ज कर दिए है और मुसलमान जो आज जो रोजा रखते हैं जितने भी दुनिया में जितने भी मुसलमान तीस रोजा रखते हैं रमजान के तो वो ये पहले उनके जहन में यही बात होती है कि क्योंकि ये अल्लाह ने हम पर फर्ज किए हैं इसीलिए ही रोजा रोजाना दूसरी चीज अभी बात सेकेंड आती है कि किस तरह से रखना है जैसा कि कासिम ने बता दिया वो हमारे रसोल साम ने हमें करके बता दिया कि कब रखना है कैसा रखना है क्या रखना है इसमें कुरान में कुरान के अंदर भी है और रसोल सलाम ने भी करके बता दिया वहां डेड लाइन हो गई दूसरी अगेन अगेन सेकेंड चीज और तीसरी चीज ये भाई जो बता रहे अभी इनका इन्होंने अभी मैंने सुन रहा था कि इन्होंने बताया कि मैं भी देखना चाहता हूँ आप क्या कुरान पे कितना मेरे भाई बात ऐसी नहीं है अगर आपको डिबेट करनी है तो हम तो अवेलेबल है देश ट्वेंटी फोर सेवन है कभी भी आप आ जाइए कोई मसला नहीं है आप किसी और दिन आ जाइए और प्रॉपरली डिबेट कर लेते कोई मसला नहीं है आ जाइए बहस की बात नहीं है ठीक है खान भाई खान भाई आपकी बात क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम अपना कोई बयान ना दें हम मौलाना कासिम से ही आज जवाब लेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मौजूद होते ही हैं मौलाना कासिम हमारे लिए स्पेशली फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन हमारे लिए टाइम निकालते हैं तो हम पूरी उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं हम सिर्फ सवाल करेंगे इंशाल्लाह जवाब मौलाना कासिम से लेंगे एक घंटे के अंदर ये प्रोग्राम फिनिश करेंगे जितने सवाल हो सकते हैं जरूर दीजिए मौलाना कासिम साहब कहते हैं कि रोजा जो है वो पूरे साल होना चाहिए क्योंकि रोजे का मकसद जो है वो अपने नफ्स को कंट्रोल करना है तो ये ऐसा क्यों है कि मुसलमान सिर्फ रमजान के महीने में ही अपने नफ्स को अपने आप को बुरी चीजों से बचाते हैं और आपको पता है मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ वो हमें इस बात पे टोक मारते हैं कि आप लोग सारा साल गुना करते हैं और एक साल आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेते हैं हम तो तीन सौ पैंसठ दिन का रोजा रखते हैं तो इसका क्या जवाब होगा इसको ना फर्जी किसी चीज को तस्वर नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकली लाइफ में आकर देखे गुनाह सब करते हैं चाहे वो अखानी है चाहे वो सुनी है चाहे वो शिया है वो जिस फिर जिस उससे मुसलमान गुनाहों में गुनाह करते हैं बाकी जो गुनाह कम होते हैं किसी का वो रमजान में होते हैं ये तो प्रैक्टिकली लाइफ में देखा गया है ना कि हिंदू भी कहते हैं कि यार रमजान में मुसलमान बहुत ज्यादा पाकिजा होते हैं इसलिए कर्जे वर्जे निकालने लेन देन हो तो कोशिश करे कि रमजान में करे ये बड़े अच्छे मामला करते हैं बाकी पूरी जिंदगी में रमजान के बाद ये प्रैक्टिकल है ना मश्क है जब एक फौजी okay. जाकर तीन महीने ट्रेनिंग करता है तो वो जहाज को उड़ा के ले जा सकता है तीन महीने ट्रेनिंग करता है तो वो बेहतरीन फाइटर फाइट करता है दुश्मन के साथ तो इस महीने में हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगले ग्यारह महीनों के लिए देखिए हम अपने बयानात में लोगों को समझाते हुए हर वक्त यही कहते हैं कि भाई ये बोलना गुनाह पूरा साल है इससे बचो इसके लिए मश करो अभी जब आप सबसे बचते हो इतने नेक बनते हो पूरे साल तो हमने देखा कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे रमजान में आके पढ़ने लगे तो सारा साल पढ़ने लगे जो लोग गुनाहला है रमजान में रोजे रख के वो उनसे बचते हैं जो लोग पान खाते हैं नस्वार खाते हैं सिगरेट पीते रमजान में छोड़कर फिर पूरा साल के लिए वो छोड़ देते हैं ये एक अल्लाह तबारक ने खुद ही बता दिया ना ला तत्त ला, ला जो है ना ये तमन्नी तरजी के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है कि तुम भी। शायद इसके बाद भी इन्हें कुकार बनो भाई तुम तो रमजान में भी ये गुनाह सारे करते हो पूरे साल करते हो हमें तो अल्लाह तबारिक वाली ने इतनी तौफीक तो दी ना कि रमजान में तो बहुत ज्यादा बचते हैं और इसकी बरकत से पूरे साल बचने की भरपूर कोशिश करते हैं आप अपने आप को जो लोग रोजा नहीं रखते हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ रमजानी पूरा साल रोजा होना चाहिए हाथ पैर का वो उनको शैतान दलील देता है नफ्स का धोखा है न वो पूरा साल बचते हैं और रमजान में भी गुनाहों में मुबला रहते हैं जो लोग रोजा रखते हैं चलो वो तो एक महीना तो तुमसे कम गुनाह से बचे ना तुम तो बारह महीना करते हो वो तो ग्यारह महीना करते एक महीना तो फिर भी तुमसे कम हो गए गुनाह करने में तो मुसलमान बहुत ज़्यादा रमजान के बाद अपने लाइफ को पूरी जिंदगी को तब्दील करते हैं बहरहाल आते हैं असल टॉपिक पर रोजा वो है जो रसोलम ने जितने जिंदगी रमजान उनके उसमें आए तेईस बाईस या तेज रमजान पूरे महीना रख कर आजान के साथ अल्लाह अकबर बिलाजी तन कहते थे इफ्तार करते थे और ये अल्लाह का हुक्म है कुतिबा आलही कुमु सयाम और फमन शहीदीन शाह या सुसुम यहाँ खाने से बचने का हुक्म है पीने से बजने का हुक्म है गुनाहों से भी बजने का हुक्म है खाने पीने और तमाम नफसानी ख्वाहिशा से बचने का हुक्म है और फिर खाने पीने का मैं क्यों कह रहा हूँ कोई ये नहीं कह सके कि भाई यहाँ खाने पीने का नहीं सिर्फ गुनाहों से बचने का है तो वो कुरान में वकुल खाओ पियो सारी रात खाओ पियो ठीक है ये, ये, ये जो सफेदी धारी है वो और काले में फर्क होने तक तुलु आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक जैसे ही हो जाएगा तुम उसके बाद खा पी नहीं सकते हो सुबह और फिर जी गुब आफ्ताब तक ये कुरान मजीद में जहाँ रोजे के शहर रमजान उससे नीचे जाकर ही ये आयत मौजूद है में, उसी पेज में देखिए इससे भी पता चला अगर कोई वसल्लम के अमल को नहीं मानता है कि वो खाने पीने से नहीं बचते थे इतने अहल भाई उसाम साहबा के इजमाई उम्मत से इनकार करता है फिर भी कुरान खुद वाजहे बता रहे बाकी गुना तो साल हमें है रोजा हो ना हो गुनाहों से तो बजना ही है झूठ बोलेंगे गुना होगा मिलावट करेंगे गुना होगा धोखा देखें देंगे गुना होगा वो तो होगा ही होगा रोजे भी करे तो और ज्यादा होगा बगैर रोजे के इंसान करे फिर भी गुनाह है वो तो हर वक्त हर लम्हा हर आन है लेकिन ये है। जो इस पे की इबादत है ना जो आदमी सलाम में भी था हजरत ईसा के दौर में भी था किसी के तीन दिन थे किसी के ए, खाने पीने के साथ बातचीत पे भी पाबंदी थी किसी की रातों का भी रोजा होता था दिन का भी रोजा होता था बहरहाल इसमें ये खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं कि जो अल्लाह का हो अल्लाह का हुक्म हो उसको कोई पैगंबर भी तब्दील नहीं कर सकता है अल्लाह का हुक्म अल्लाह का आर्डर अल्लाह की जात सबसे बड़ी है क्यों इसलिए इसकी दलील ये है समझने की जरूरत है अल्लाह तबारक व तारा ने अपने अहकाम जारी करने के लिए आदम से तकलीफ उठाए पता चला कि आदम सलाम के रिसालत आदम की ज़ात अल्लाह के आर्डर अल्लाह के हुम के मुकाबले मुकाबले में कम है अल्लाह का रेट बड़ा है आर्डर बड़ा है उसके बाद हजरत जकरी सलाम को आरे से चीरा गया पैगंबर थे रसूल थे सलाम को तकलीफे वी में चलना पड़ा फिर अवनियों के मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी कोहतूर पे जाना पड़ा चचिले काटने पड़े ठीक है हजरत ईसा को हजरत इब्राहिम सलाम को आग में डाला गया वतन से जिला वतन किया गया बेआब गया बियाबान बे में अपने अपने औलाद को छोड़ा गया क्यों तकलीफ दी जा रही है अल्लाह के महबूब पैगम्बर हालांकि उसके लिए अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम वफा इब्राहिम ने तो अपने वफादारी पूरा कर दिया जो उसने इम्तिहान था उसमें सौ फीसद पास हो गया और उसको मैंने इनामात यह दिया कियामत तक उसका नाम बाकी रहेगा उसके बाद आ जाए रसूल सल्ला तमाम अम्बियात वसलाम के सरदार

मदीने में पहुंची वहां तकलीफें उठाई बदर में रो रो के दुआएं कर रहा है, उहुत में साथी शहीद हो गए ये सारी मुसीबतें तकलीफ क्यों उठाई जा रही है अल्लाह का हुक्म नाफिस करना है अल्लाह का हुक्म अहम है उसके मुकाबले में जितने भी बरगुजीदा पैगंबर हो उन सब को इस पर तकलीफ दी गई है अल्लाह के अहकाम के नफाज के लिए इससे पता चला अल्लाह का जो रण है कानून है जो निजाम है वो सबसे बढ़कर है अंबिया की सलाह सलाम की भी बढ़कर है क्योंकि अंबिया को इस पर तकलीफें दी गई है मुसीबतें उठानी पड़ी है कुर्बानियां देनी पड़ी है तो अब जो है उस हुक्म को अल्लाह जो नाफिज करे उसको कोई अल्लाह का फरिश्ता कोई जिन कोई नबी अपने मर्जी से तब्दील नहीं कर सकता है कुरान में वाहिदे आई है कि रगे जान काट देता हाथ से पकड़कर तुम्हें यह कर देता तुम्हें वो कर दे ये खिताब रसोल्ला को भी इस अंदाज में किया गया तो तो पता चला कि अल्लाह का जो हुक्म नाफिस हो उसमें किसी नबी वली पीर बुजुर्ग इमाम जो भी हस्ती हो वो उसमें कोई तब्दीली नहीं जब रसोल्ला नहीं कर सकते कोई नबी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता जब नबी नहीं कर सकता है तो उसके अहले में से किसी को क्या इख्तियार है नबी से तो उसका अहले अफजल नहीं होता है ना नबी अफजल होता है आहले बैद तो मफजूल होता है जब अफजल नहीं कर सकता है कोई हुक्म तब्दील तो मफजूल क्या मजाल है क्या हिम्मत है जब मफजूल उसके दौर में अहल बैद में अल-अग्रब फल अग्रब, जो सबसे करीब हो, वो सबसे ज्यादा अफजल होता है हजरत फातिमा रजील सब से करीब रसोलम के जिगर का टुकड़ा है वो नहीं कर सकते हजरत अली रजी अल्लाह तु नहीं कर सकते हैं अल्लाह के इन अहकाम में तब्दीली जब वो नहीं कर सकते उसके बाद हजरत हसनैन करीम नहीं कर सकते ना उन्होंने जिंदगी में किया है उसके बाद आकर ग्यारहवें इमाम तक आ जाए नहीं किया है आप अगर आकर कोई तेईसवे नंबर पर किला खिलाअ के बाद उससे आगे नसब हसब भी साबित नहीं है उस वक्त कोई बंदा उठकर यह कहे कि आज जो है नाफिज हो गया शरिया कामात जो अल्लाह ने हुक्म दिया था एक लाख चौबीस हजार पैगंबरों से दुनिया में नाफिज कराया था सबको मैं खत्म करता हूँ तो रोजा वोजा कुछ नहीं करो शरीयत यानी अल्लाह इस्लाम के अहकाम सबको मैं अब जो है ना, 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 ना।, ना। अपने मस्जिद से जियो और जो है ना नजू की तुम्हें न इसकी जरूरत है न पाकि की जरूरत है न रोजा रखने की जरूरत है नमाज पढ़ने की न हज की न जक़ात की जो मैं कहूँ वो तुम करो तो जो है ना तुम्हारे लिए वो हुक्म है ना अकल इस बात को मानती है न जो है ना नकल इस बात को मानती है और आन हदीस के खिलाफ है इजमाय उम्मत के खिलाफ है इतने सारे मुसलमानों के अमाल के खिलाफ है और जो है अकल भी इस बात को नहीं मानती है कि फर्ज हम चाहे एक मिनट के लिए फ़र्ज करे कोह बैत भी हो रसोल्ला वसम का वाकई कोई अहत हो वह हमारे काबिल एहतराम है कोई सैयद हो लेकिन इसका मतलब हर गिज ये नहीं है कि वो अल्लाह के किसी हुक्म को जरा इधर करे जरा उधर करे उसका अपना अमल भी अगर इस्लाम के मुताबिक नहीं है तो उसके लिए तो भी, भी, भी खलासी नहीं है वो भी बच नहीं सकता है बहुत बहुत ही मुझे तो अपने सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से मिल गया और कुरान और हदीस से बढ़कर और कौन सी आपने दलील दी बेहतरीन आपने कुरान साथ जो जो इस्माइली इस्माइली हजरात कहते हैं कि खाने पीने का रोजा नहीं बंद करना होता रोजा तो जो है वो ज़ाहिर ही नहीं होता बात नहीं होता है तो आप साथ साथ ये भी कहते हैं इस्माइली हजरात के हमारा कुरान पर मुकम्मल यकीन है लेकिन मौलाना कासिम ने कुरान की आयत से ही साबित किया कि रोजा दरअसल जो है वो खाना पीने की भी ममानत है उस पर और साथ साथ नफ्स का भी कंट्रोल है अजीज भाई बार बार अपना माइक अनम्यूट कर रहे हैं ठीक है आपको हम मौका देते हैं एक घंटा टाइम हमारा फास्टिंग के हवाले से प्रोग्राम था माशाला वो कंप्लीट हो गया है अगर हमारे किसी भाई ने फास्टिंग के हवाले से सवाल करना है नुरह भाई इमाम अली है अली भाई है बिलाल भाई खान भाई क्योंकि अजीज भाई जो बात करेंगे वो चली जाएगी डिबेट की तरफ तो इनशाला मैं अब इस प्रोग्राम की नौियत को चेंज कर दूंगी अगर अजीज भाई कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे लेकिन फर्स्ट लेट मी एंड दिस टॉपिक टॉपिक ये फास्टिंग का एंड हो जाना चाहिए नूरला भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जी नहीं से इस टॉपिक इसके बाद बात इंशाल्लाह इसके बाद बात करते हैं इंशाल्लाह ठीक है जाहिर का। दूसरा कासिम भाई एक खालिदानी ने यहाँ पर एक कमेंट किया है कहता है ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कयामत के बाद मतलब इनके हिसाब से इस्माइली में कयामत आ चुकी है कयामत हमारे कहते हैं बिलीफ के मुताबिक कयामत आ चुकी है और हम हम लोग पूरा साल अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं हमारे लिए कयामत के बाद की कोई ट्रेनिंग नहीं है बड़ा ही मजाई का खेज जो है ना एक तरह का कमेंट है कि अगर कयामत आ गई तो फिर क्या जरूरत है देने की क्या जरूरत खली, है खलील, जी? खलील को थोड़ा सा मैं जवाब देना क्योंकि इनके देखे हैं माशाल्लाह बड़ा प्यारा अच्छा बंदा है देखने से सूरतन और बाड़ी के लिहाज से लेकिन मैं यहाँ दावत देना चाहूंगा इनको कि खलील भाई देखिए तेईसवा इमाम हजरत जिक्र अलैहि सलाम ऐसा कोई कह रहे थे आला आपके कुछ हाँ, उन्हों उन्होंने आकर उन्होंने आकर जो अहले बैत में भी बहुत बिलफरज आपके बकौल अहले बैत भी हो तो अहले बैत कैसे अल्लाह का हुक्म तब्दील कर सकता है उसको इख्तियार नहीं है आप आप जो है ना जिसने ये क्यामत का हुक्म जारी किया है ना इसका नसब इससे आगे नहीं है कटाफ है किला में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर ने मार के उनका तहस नहस किया था उनका सिलसिले नसब फिर कई सालों तक गैब है आप तो ये सिलसिले नसब जोड़कर हमें दिखाए सनत के साथ सनत के साथ आप काज पैन जो है ना कागज पे लाइन लगाकर इसको उससे लगाकर या जो नाम आप लेकर अपने जमत खाना में नमाज पढ़ते हैं वो काबिल काबिलकबूल नहीं है कोर्ट में कोर्ट में जाएंगे ना वो फेंक दिया जाएगा उस पर हम ए, ये शिकाल उठाएंगे कि आप सिलसिले सनत से और सिलसिले सनत में जिनका नाम लेंगे उनका मुतकी रेसगार होना उस वक्त के लोगों से साबित करेंगे वरना उसका कौल का अतबार नहीं होगा वो झूठा कजाब कोई हो सकता है आप सनत साबित करेंगे सनत के ऊपर आप जिन लोगों का जिन लोगों का नाम लेंगे उनके हालात जिंदगी उस वक्त के लोगों से प्रूफ हमें दिखाएंगे फिर वो काबिल कबूल होगा क्यामत तक आप ये नहीं कर सकेंगे ये झूठा सिलसिला नसब है खुदा के लिए आप लोगों को तो गुमराह ना करें इसका बवाल भी क़ियामत के दिन आपके ऊपर आएगा तो कोशिश करें आपके खैर सही बात से बहुत सारे लोग राहरास पर आ सकते हैं आप तो कोशिश सर्च करने के बाद फिर भी आप आपको अंदाजा नहीं है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हक को कबूल करें बहुत सारे रीजन होते हैं मिशनरी और मुखियों के, के ये पढ़ने ये, के बाद भी नहीं ये दुनिया के रीजन है ना दुनिया तो चार दिन का है हमने मरना है कबर में जाना है के कसम कब्र में जाने के बाद जी अजीज कुछ कुछ भाई आप सिर्फ भाद 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 एक मिनट वेट कीजिए सुन लीजिए मेरी बात प्रोग्राम मुझे यहाँ पे इसको पार्ट टू करने दीजिए फास्टिंग के हवाले से प्रोग्राम जो है वो हम मुकम्मल कर लेते हैं क्योंकि अब ये जाएगा डिस्कशन की तरफ क्योंकि आप फास्टिंग के हवाले से तो बात कर नहीं रहे जाहिर सी बात है आपका सवाल अब इससे हट कर ही और अब आप जो एतराज उठा रहे हैं वो कुरान के ऊपर ही उठा रहे हैं ठीक है ठीके? आपका कुछ मसला है कभी आप कुरान में से कॉन्ट्रोडिक्शन निकाल रहे हैं कि अगर दुनिया गोल है तो फिर अल्लाह क्यों ऐसे कहता है तो ने, 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 मुझे जाना? मुझे मुझे ये मौलवी साहब एक बात बता दे मुझे इस्लाम में कितने कलमे है मुझे ये बता दे मौलवी साहब ठीक है है। है। एक मिनट रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए प्रोग्राम मुझे एंड करने यहाँ पे जी जी, प्रोग्राम जी, मुझे एंड जी. करने दीजिए प्लीज यहाँ पे एक सेकंड मुझे रिमूव करने अच्छा जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर और अकबर खोजा का चैनल है रीथिंकिंग स्माइलिज्म और एक चैनल मेरा है दगा खानी दोनों पर ये प्रोग्राम दोबारा से शुरू होगा रीस्टार्ट कीजिए दोबारा से रिफ्रेश कीजिए लाइव प्रोग्राम आ जाएगा बाकी जो फेसबुक पे मौजूद है वो फेसबुक पे रहिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है जी मौलाना कासिम आप अगर इनके जवाब देना चाहें तो बिस्मिल्लाह कीजिए इन्होंने कहा कि कलमा